साहू जी बताइए। हेलो। दिस इज ए सेकंड बिल एप्लीकेशन मैडम। फर्स्ट इज विड्रॉ ऑन 3/3/2022 क्या मैडम। एलिगेशन क्या है आपके ऊपर? मैलोड, हमारे ऊपर एलिगेशन है 420/1964/475 IPC। मैलोड, हमारे ऊपर एलिगेशन ये है कि हम ऑनलाइन फ्रॉड करके हमने 9,76,951 रुपये ₹76,900 निकाल लिए निकाल लिए। जी जी। मैलोड, इसमें तीन एविडेंस हो चुके हैं, कंप्लेनेंट का भी एविडेंस हो चुका है, जी क्या कहा तो हमने कंप्लेन फाइल कर दिया है। मैलोड, जी? 80.1 में से मेरिट में डिसाइड हुई है हाँ, मैलोड, मेरिट में डिसाइड हुई है मैलोड, एट्टी कब? पॉइंट वन में मैलोड जी, अच्छा, 81 पॉइंट अब्दुल मजीद की मैलोड, उसमें सारी चीजें हैं मैलोड, जी। पेज 14 मैलोड। मेरिट कितने साल रुको, परमिटेड में मैं सबमिट नहीं, समथिंग अभी फाइल मैं आपकी मेरिट पे जा ही नहीं रहा, सिर्फ जी सर, वो किसी दूसरे कारण से बेल डिसमिस हुई। दूसरा क्या कारण हो सकता है? इन व्यू मेरिट के ऑफ अलावा भी कोई फैक्ट कारण होता है क्या? आपने ऑर्डर शीट में लिखा है कि विटनेसेस एग्जामिन नहीं हुए हैं और उसको टेम्पर्ड किए जाने की संभावना है, इसलिए बेल खारिज हुई है पहले। सर इन व्यू ठीक, ऑफ सच हाँ फैक्ट एंड ठीक है ठीक है ठीक है ठीक जी, इसमें तो वो एक गिरफ्तार नहीं हुआ था जो, वो भी था ना इसमें स्टोरी? नेपाल नेपाल राजवार हाँ, वो गिरफ्तार नहीं हुआ था? नहीं, दोनों सर सब गिरफ्तार हो तो चुके, शुरू से ही गिरफ्तार। दोनों शुरू से गिरफ्तार। अच्छा, फिर कौन गिरफ्तार नहीं हुआ था? ठीक है, चलिए, खैर बताइए क्या कहा कंप्लेनेंट ने? हाँ हेलो, मे आई रीड? प्लीज, पैराग्राफ नंबर 4 से मालूम, हाँ दोनों पढ़िए। आरोपियों के क्या नाम है मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती हूँ। छोटा का पुलिस जब पकड़ कर लाई, उन्होंने आरोपी के नाम बताए। ये कहना सही है कि यदि पुलिस नहीं बताती तो आरोपी को क्यों नहीं हाँ, तो वो पहचानती? कैसे पहचानेगी? साइबर फ्रॉड है ये तो। यस मालूम। फिर मालूम, मैं BSNL में सहायक महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हूँ। ये कहना सही है कि मुझे मोबाइल द्वारा फ्रॉड के संबंध में कोई जानकारी नहीं। मेरे पास 15 वर्ष से मोबाइल है, मेरा मोबाइल बैंक अकाउंट से करीब 15 वर्ष से लिंक है। ये बात सही, फ्रॉड से सतर्क रहने के लिए बैंक से समय समय पर SMS भेजे जाते हैं। ये कहना चाहिए कि जो कार्यालय समय है वो 9 से 4 रहता है, पहले सुबह 10 से 5 था। अरे ये तो सब बात की बातें, आप तो पहले बताइए आपके खाते में कितने पैसे प्राप्त हुए? किसके मालूम, हमारे खाते में पैसे प्राप्त नहीं हुए। मालूम, खाते में पैसे जो प्राप्त हुए? जिस नंबर से ये फ्रॉड करना बता रहे हैं हाँ, वो वो नंबर क्या सिम है? भी सीज नहीं हुआ है। वो नंबर किसका है? नंबर तो वो बताइए, आप तो तो विक्रेता हैं सिम के। अरे केवल हम सिम आप केवल नहीं, आप मुख्य हैं, आपने सिम बेची है अब्दुल फिक्टिशियस नाम बात से। आपने और आपको एक्यूज ने मिलके अब्दुल ने सिम बेची है। सिम का नंबर क्या है जिससे फ्रॉड हुआ है? नंबर है 9433609 9008। 9,004,6,09,008। फिर किसको बेची थी आपने? आपके पास तो उसका रिकॉर्ड होगा। ये मैलोड, किसको बेची थी ये सिम मैलोड, आपने? हम जो सिम बेचते हैं वो वोडाफोन आइडिया कंपनी की ये बेचते हैं, किसकी है? ये BSNL कंपनी की सिम है, अच्छा, ये तो हमने बेची नहीं है। ये पोर्ट हुई है कि पोर्ट हुई है BSNL में ये कि कहीं अपने चालान में उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। मतलब वो सीज ही नहीं हुआ है, वो क्या चीज नहीं हुआ? सिम किसके पास था, किस ये कौन कहां से आया भाई? इन्होंने सिम किसको बेचा? साजिद के नाम से रजिस्टर्ड है सर, ये साजिद के नाम से रजिस्टर्ड है, हाँ, और जितने भी कॉल से सर इसमें अकाउंट में ट्रांसफर हुए मैलोट्स में, और जो फोन नंबर पाए गए हैं वो सारी सिम सर इनसे अब्दुल माजिद से हुई थी, और अब्दुल माजिद के मेमोरेंडम पे ये आया था कि ये हम सिम बेचते थे नेपाल राजभर को, हाँ, और ये सारी डिटेल है मालूम उसमें, जितने फोन नंबर से इनके अकाउंट। थी। और साजिद अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं? साजिद साजिद को एक्यूज ही एक्यूज नहीं बनाया, नहीं, साजिद को एक्यूज क्यों नहीं बनाया आपने? साजिद से ऐसी मोहब्बत कैसी? आप किसके लिए हैं?
मैं ऑब्जेक्टर। अच्छा बताइए साजिद को क्यों नहीं अक्यूज बनाया आप? इसको वेरीफाई करते हैं हम उसमें। पूछिए जरा श्री विवेक लकेरा आफ्टर लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट आफ्टर आर्ग्यूइंग दैट मोबाइल नंबर 9433609008 बिलोंग्स टू वन साजिद and through this phone cyber crime was committed this sim cyber crime was committed is not in a position to explain that why Sajid has not been made an accused and why investigating officer is so kind towards Sajid Shri Lakhera prays for time to call for the explanation in writing on affidavit of the IO list this case next week. Okay. Lord, I request you, I'm sorry, my lord. उसमें my lord उसमें उसके statement में my lord साजिद को बनाया था my lord उसने। सबसे उसके बाद बनाया था अब्दुल मजीद को जब अब्दुल मजीद को arrest किया। है already। है? साजिद एक accused है my lord। Arrest हो गया साजिद। Arrest memorandum भी है sir उसका। है? है। आप उनको बुला लीजिएगा पास। अरे अरेस्ट है मालूम नहीं। आप बताइए तो गलत क्यों बताते हैं आप? मतलब मालूम उस वक्त मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाए? पढ़ के जब आएंगे डायरी तो एक्सप्लेन करेंगे। नहीं आके डायरी खोलेंगे तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कल तो कोई बता रहा था कि आप लोग सब पढ़ के आते हैं, सप्लीमेंट्री लिस्ट में डायरी मिलती है, बड़ी तकलीफ होती है। तो पढ़ के आते हैं तो फिर ये गलती कैसे हो जाती है? चलिए अगले हफ्ते बताइएगा।